हेलो भाई लोग, मेरा नाम मुनीश सिंह है। हमने आज एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है विलेज फार्मिंग के नाम से, जिसमें आप लोग सबको सपोर्ट चाहिए और आप लोग सपोर्ट करिए। आज हम लोग जा रहे हैं वृक्षारोपण करने के लिए अपने गांव या बोलिए उसको फार्म हाउस बोल सकते हैं हम लोग। पर्यावरण बचाने का एक अपना शुभारम्भ है। ये बैंगन का पेड़ है, बैंगन लगाएंगे सब्जी के लिए। और एक केले का फूल है, बहुत अच्छा सुगंध करता है, इसका एक पौधा लगाएंगे हम लोग। आज दो आम के पौधे हैं, एक सुपारी, ठीक है। ओके गाइस, हम हाउस लगा चुके हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हमने सब्जी लगा रखा है अपने खाने के लिए, और यहाँ पर भी हम चल के अभी पौधा रोपण भी करेंगे कुछ देर में। अभी हम यहाँ पर फार्मिंग किए हैं, मछली पालन भी किए हैं, अभी हम लोग को दिखाते हैं। हम एक तालाब खनवा के उसमें मछली पालते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। और पहले भी कुछ पौधे लगाए हुए हैं, हमने पौधे लगाए हुए हैं, वो पौधे हमने लगाए हुए हैं, वो फल दे रहा है। अभी देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, वो देखिए यहाँ पर परवर आपने अपना नाम सुना होगा, परवर का भी पौधा लगाया हुआ है। इससे भी अभी लगाया हुआ था, काफी बड़ा हुआ था, हमारा पशु से खा गए। अभी अब चलते हैं तालाब की तरफ। हमने हल्दी लगाया हुआ है, टर्मरिक इसको बोलते हैं, इसे कमिंग हल्दी, ठीक है। देखिए
जो डीजल रहता है। पानी स्टोर करके हमने मछली डाला होता है, IMC इसको बोलते हैं, रेहू कतला। और ये काफ़ी मछलियाँ हैं इसमें, हमें खाने की तरफ से पानी का प्रॉब्लम से पानी भरना होगा, इसको भी व्यवस्था है पानी। अरहर लगाया हुआ, अरहर ये पूरा वहाँ से वहाँ तक है, अरहर का दाल, अरहर दाल के लिए अभी महीने से पानी नहीं बरसात हुआ था, रिसेंटली अभी बरसात हुआ है, कल आज सुबह मॉर्निंग में थोड़ा नमी मिला, ये सब सूख रहे थे पौधे। इसके लिए हमने ये मोटर लगा रखा था, बताएंगे लाइट की कमी थी लेकिन अभी बरसात हो गया, इसलिए ध्यान लगा हुआ है किसान के खेत में, लेकिन वो पशु देखिए नुकसान कर रहे हैं, किसान लोग के लिए बहुत दिक्कत है। हमारा पशु लगाने के लिए इसमें घेर रखा था, जिससे कि हमारा पशु दिया जाता है। पौधा लगा रखे हैं यहाँ पर आंवला का, पौधा लगता है बचा हुआ है, देखिए आंवला का पौधा है। ऐसे ही यहाँ पर प्रकार के पौधे लगाएंगे जो लाए हैं हम, अभी सब ऐसे चारों तरफ प्लांट लगाएंगे या उधर लगाएंगे, पौधा रहेगा तो अच्छा है, यहाँ पर सुखा रहे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, फल भी देगा हमको, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमको फायदे। इसलिए आप भी लगाएं अपने खेतों में, और गमले का भी आता है पौधा, अगर आप गमले में भी लगा सकते हैं पौधा, छोटे छोटे पौधे होंगे गमले में ही आपके फल देंगे वो, आप नगर शहर में हैं कहीं तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। इस पर हमने अपना स्तर बना रखा है यहाँ पर अनाज स्टोर करने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए भी, ये नया वाला है, आप लोग हम पुराना घर दिखाते हैं, जो खेती से फसल निकलता है उसको यहाँ पर हम स्टोर करते हैं। अब देखते चलिए दिखाते हैं आपको अपना पुराना घर, हमारे दादा बनवाए, यहाँ पर हमारे चाचा लोग रहते हैं, हम लोग तो पुराना मार्केट में रहते हैं गाँव में। ये हमारा घर सुरखो वाला दादा वाला ये है धान से चावल निकालता है, धान से डालते हैं चावल निकालता है इधर घर, ये है मशीन, वो है चक्की घर, उसमें चक्की है आटा उटा वाली। देखिए यहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं पौधे लगाने के लिए, दो डेढ़ से दो फीट तक का गड्ढा रहेगा जिसे पौधा लगाना है, तो उससे कम गड्ढा ना रहे, ठीक है गड्ढा खन के उसके बाद हम दिखाते हैं। देखिए गड्ढा तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा इसके बाद इसे हम पौधा लगाएंगे। ये हम लाए हैं दीमक का दवा, पौधों में दीमक लग जाते हैं, इसको हम मिट्टी में मिलाकर डालेंगे, इस मिट्टी को गमले में लेंगे, पहले हम गमले में इस दवा को मिलाकर इस वक्त इसमें डालेंगे पौधे के साथ, जहाँ ज़्यादा पौधे लेंगे वहाँ से मांगे तो आपको एक पाउच में देंगे दीमक का दवा, जिससे ये होता है कि पौधा खराब, कभी किसी हाईवे पे आप किनारे चलेंगे पौधे लगे होते हैं अक्सर कर देखेंगे पौधे के ऊपर मिट्टी चपके से लाल कलर वाली, तो दीमक का काम होता है, दीमक सब लगा रहते हैं और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है, पौधा खत्म हो जाता है। अब ये नया पौधा है इसलिए मिट्टी में देना पड़ता है इसको, इसको कम मात्रा में देंगे क्योंकि वो सर्दे सर पौधे सब पीने लग जाते हैं, अच्छे से मिला लेंगे। वर्मी कंपोस्ट नहीं तो वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी से यूज कर सकते थे, उससे और पौधा ग्रोथ जल्दी होता खाद। बस मट्टी ऐसे ही डालेंगे इसको, पौधे डालेंगे पौधे की जो ये थैली है पन्नी है इसको निकालने के बाहर काट कर उसको, चाकू या कुछ ब्लेड की मदद से आप इसको काट निकाल सकते हैं।
इसको इसी तरह हम लोग सीधा अंदर डाल देते हैं। मट्टी जो दिन जो दवा मिलाया था इसको से पानी में डालने से जो थोड़ा मट्टी का गैपिंग और ढीला वाला ढीला टाइप हो जाना चाहिए, गैपिंग को खोलकर मट्टी पकड़ लेगा जिससे पौधे में मट्टी का चार तरफ सही से बन जाएगा। इसके चार आप देख रहे हैं बहुत दिन बाद ये मौसम गया है बरसात का, यहाँ पर काफ़ी महीनों से किसान या परेशान थे पानी बरसने का, फसल लग रही थी खेत में, अब फाइनली पानी बरसेगा खेत में, फसल लगेंगी हरी हरी एकदम धान हरा हरा दिखेगा खेत में, किसानों की जरूरत में भी खुशी आएगी इसके लिए। इस मौसम को बहुत दिन से इंतजार था पानी देने का, अरे बरसात नहीं होगी तो सूखा घोषित हो जाएगा हम लोग का एरिया, कोई फसल नहीं सूखा, बस मट्टी में धूल उड़ता रहेगा खेतों में, धूल बरसात हो जाती है तो खेत में फसल आ जाएगी लग जाएगी हरी हरियर एकदम अपना खेत जाता है। गाँव में हरियाली तो ही होती है जो लोगों को मन में होती है लोगों का। बराबर पानी डालते रहना है 3-4 दिन को, बरसात नहीं हो रही है तो, अगर बरसात होगी तो ठीक ही है, नहीं होगी तो फिर डालना पड़ेगा जिसमें नमी डरता है। इस आम का नाम है, ये पौधा है अम्रपाली। अम्रपाली एक एक्ट्रेस भी है भोजपुरी की, अम्रपाली दुबे, हालांकि उनके नाम पर नहीं पड़ा हुआ है आम का पेड़, यहाँ पर नाम पड़ा है। अच्छा है, स्वादिष्ट है, खाने में मीठा भी होता है। चलिए एक पौधा लग गया हमारा, अब चलेंगे दूसरा पौधा लगाएंगे, हमें पौधे में लगाएंगे एक लकड़ी जिससे सपोर्ट हो, अभी ये हवा मारेगा तो हिलेगा पौधा, जमीन से ना हिले इसलिए हम इसको लकड़ी के सहारे से सपोर्ट में कर देंगे, थोड़ा अंदर इसको मतलब इतना सल है इतना अंदर कर इसको हम काम देंगे इसे हिलेंगे, ठीक है।